आप सबकी ज़ोरदार तालियों में उन्हें आवाज़ दीजिए। इकबाल अशर साहब दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, ज़ोरदार तालियां और भरपूर फ़ज़ा कायम कर दीजिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने भाई अतीक अंजर साहब को। आज उन्हें उनकी दो नज़में सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत इत्मीनान भी हुआ, क्योंकि गज़ल जो है वो अख्तर उल ईमान और कैफ़ी आज़मी और अली सरदार जाफ़री जैसे शोरा के बाद, हालांकि ये सिलसिला निदा फाजली और जावेद अख्तर तक भी पहुंचा है, लेकिन हमारी जनरेशन से एक नाम उभरा तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं भी ज़रा सी तरगीब हासिल कर रहा हूँ इस सिलसिले में। मेराज हैदर साहब, आप तो वज़ीर अदब बनाए जाएंगे इंशाल्लाह किसी सरकार में। और हमारे शाहिद भाई क्या खूबसूरत तकरीर और ज़बान बोलते हैं, सकाफती तबादला मुझे नहीं मिल पा रहा था दोपहर से, यार क्या कहूँ ये लखनऊ चैप्टर को क्या कहूँ, लेकिन शकील भाई ने मुझे बताया कि अरबी और उर्दू एक साथ पढ़नी पड़ती है तब तर्जुमे का हुनर आता है, सकाफती तबादला। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। नहीं तकलीफ़ तो नहीं हो रही, खैर आपके होते हुए मुझे क्या तकलीफ़ होगी वजाहत फारूकी साहब, और जो आपसे एक बार मुलाकात कर ले उसे तकलीफ़ हो ही नहीं सकती। इस कदर कुव्वत इरादी का मजबूत बना देते हैं आप अपने हर दोस्त को। तो मैं एक गज़ल पढ़ता हूँ साहब, के जो तीरगी के हक में है उसी हवा का साथ है, जो तीरगी के हक में है उसी हवा का साथ है, कोई नया चिराग अब जला सको तो बात है। जो तीरगी के हक में है उसी हवा का साथ है, कोई नया चिराग अब जला सको तो बात है। न जाने तुमने सुबह का कसीदा कैसे लिख लिया, न जाने तुमने सुबह का कसीदा कैसे लिख लिया, यहाँ तो कल भी रात थी यहाँ तो अब भी रात है। न जाने तुमने सुबह का कसीदा कैसे लिख लिया, यहाँ तो कल भी रात थी यहाँ तो अब भी रात है। ये खुशबुओं के शहर की रिवायतें भी खूब हैं, फजल इनाम साहब, ये खुशबुओं के शहर की रिवायतें भी खूब हैं, ये खुशबुओं के शहर की रिवायतें भी खूब हैं, सिमट बिखर गए तो जीत है सिमट गए तो मात है। ये खुशबुओं के शहर की रिवायतें भी खूब हैं, बिखर गए तो जीत है सिमट गए तो मात है, हिसारे एतबार में न अक्स है न आईना। परवेज भाई, हिसारे एतबार में न अक्स है न आईना, ये कैसा इनकलाब है ये कैसी वारदात है, ये कैसा इनकलाब है ये कैसी वारदात है, जो ख़ुद को इस हुजूम में शुमार ही न कीजिए। ये लोग बैठे ना दीवाने, उनके लिए है, जो ख़ुद को इस हुजूम में शुमार ही न कीजिए, सुकून ही सुकून है निजात ही निजात है, जो ख़ुद को इस हुजूम में शुमार ही न कीजिए, सुकून ही सुकून है निजात ही निजात है। तो अतीक अंजर साहब, एक नज़्म हम भी सुना दें आपको अगर इजाज़त हो, एक नज़्म कही है साहब, ये कुछ बच्चे पसंद कर रहे हैं, नौजवान बच्चों के लिए नज़्म है। अज़हर इनायती को तो बड़ी दाद दे रहे थे ये, मेरे ख्याल है आपसे दाद लेने के लिए और ज़्यादा बूढ़ा होना पड़ेगा मुझे, हैं। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ,
इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। नवाजी बहुत शुक्रिया। एक मिराज भाई, एक नहीं वो तो पढ़ देंगे यार, एक एक जी अजब मिराज भाई नाराज़ हो जाएंगे और आप सब नहीं 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 वो मैं ये कह रहा हूँ कि मिराज भाई भी कह रहे हैं उर्दू सुना दीजिए, तो मैं हैं तो मैं मेरा काम पुराने ही कलाम से चल रहा है, तो मेरा क्या नुकसान है, 20 साल हो गए हैं और अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। तो बहरहाल मैं कुछ नया सुनाना चाह रहा था, लेकिन ये कि चलिए नहीं नहीं अब इतना वक्त नहीं है, अभी और पांच लोग भाई देखिए। वो नज़्म की फरमाइश है उर्दू की, आप वो सुना दीजिए। और जी 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 मैं हुई जी हसन साहब वही सुना रहा हूँ। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। भरपूर मजा दीजिए आप, पूरा माहौल बना दीजिए। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। एक एक मिश्रा बहुत कीमती है। वाह वाह। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हालीन मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आई नए हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आई नए हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, है ज़ौक की अजमत के दिए मुझको सहारे। वाह। चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। वाह। फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। वाह वाह। फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। सुनिए, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब की सहेली। बहुत शुक्रिया।
अच्छा, एक गज़ल की इजाज़त मिल गई है, कौन सी गज़ल सुनाई जाए? ऐसा करें, दो दो तीन तीन शेर हर गज़ल से सुना दें जो फरमाइशें हो रही। नहीं, एक गज़ल मैं अपनी पसंद से सुनाता हूँ, इजाज़त है? एक गज़ल से नहीं मानेंगे लोग। मैडम, मैं मुझे पढ़ने तो दीजिए। बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, बिल्कुल भाप उठ रही है, ये समझ लीजिए। तो ये जो आजकल एक दौर गुज़रा, जैसे 8-9 महीने का, तो बड़े उसमें अजीब अजीब हादसे हुए, लेकिन शायरों को ख़ुद से मुलाकात का मौका भी मिला, ये एक मस्बत पहलू था उसका। हालांकि बेरोज़गार थे शायर, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत भी थी। तो मैंने ऐसी शायद इसी कैफियत में ऐसी एक अजीब सा जो ताल्लुक़ खुदा से बंदे का होता है, उससे बेहतर मुकालमा नहीं होता ज़िंदगी में, जब खुदा से मुकालमा हो। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बग़ैर, मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बग़ैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। वाह 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 वाह। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बग़ैर, वाह, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। अब गज़ल सुनाता हूँ दोस्तों, बिल्कुल नई गज़ल है। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे, बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे, बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, वाह वाह, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मुलाहिज़ा फरमाएं दोस्तों, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, क्या कहने हैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर। अब है क्या, वही पुराना सुनाओ तो वो नया इतनी तवज्जो से सुना भी नहीं जा रहा, समझे? तो ये बात है और कुछ भी नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ बिल्कुल, गौर से सुन जरा सा जी। कागज कलम के बीच रहा कैद उम्र भर, इस मिसरे बता दीजिएगा, लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे, क्या कहने, वाह वाह वाह। वो हमारे शहर में अब्दुल्ला बुखारी साहब के जो बेटे हैं याहिया बुखारी, बड़े सुखन फहम हैं, तो वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि यार दाद मांग लिया करो, दौर ऐसा आ चुका है, तो काश मैंने मतला पढ़ने से पहले ही कर लिया होता। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, वाह। और शेर समाज फरमाए, अच्छा, पहले कहाँ गया के लबाजाद हैं तेरे, पहले कहाँ गया के लबाजाद हैं तेरे,
मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। वाह वाह वाह, पहले कहा गया के लब आजाद हैं तेरे। वाह वाह, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हैरान हूँ मैं वक्त की तकसीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। बहुत अच्छा, वाह वाह। और ये शेर कास्टिज्म के खिलाफ कहा है मैंने, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर। वाह, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया। वाह 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 भाई, क्या शेर हुआ है, वाह वाह वाह। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया। क्या कहने, वाह वाह। बेफैज एक चराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया। नौजी, बहुत